मैंने टॉप ऑफ इवेंट से नैरी करेक्टरों को परचेस कर लिया है। देखते हैं इसका स्किल चेक करते हैं क्या स्कायरल तोड़ पाता है इसका गुलवाल इसके लिए हमें इसमें क्लास स्कॉर में जाकर कुछ चेक करते हैं क्या इस कारल इसके गुलवाल को तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। तब जा कर यहाँ पे क्लास स्कॉर लगा लिया क्लासिक ओके इतना सा हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे क्या चीज गुलवाल गुलवाल हमने ले लिया और इसको यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद थोड़ी से रेंज में जा करके देखते हैं क्या इस कारण इस गुलवाल को तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। मैंने कुछ दूरी ले लिया मैंने लगभग हमारे 50 मीटर की दूरी होगा ही। अब यहाँ से इस कारल को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या इसको तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। नेरी करेक्टर क्या माहिला इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है का ये एबिलिटी को तोड़ता हुआ। फिर देखते हैं अगर 2 से 3 गुलवा लगा कर एक बार चेक करेंगे। पहले ये राउंड हो जाने दो और नेक्स्ट राउंड में हम देखते हैं गुलवाल 2 लगा करके क्या 2 गुलवा लगने के बाद नेरी करेक्टर का स्किल काम करता है कि नहीं करता है या इस कारल उसको भी तोड़ देता है। ओके गाइस तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि मैं इसे वीडियो इवेंट का बनाता रहूं और आपके सामने लाता रहूं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट। गुलवाल परचेस कर लेते हैं। मैंने 3 गुलवाल परचेस कर लिया है और देखते हैं 2 लगा करके 2 लगाने के बाद फिर इसकी एबिलिटी चेक करते हैं इस कारल की क्या नेरी करेक्टर की स्किल को तोड़ पाता है कि नहीं इस कारल करेक्टर। ओके गाइस यहाँ पे लगा देते हैं ओके यहाँ पे लगा देते हैं ओके और एक और इसी के पास में लगा देते हैं 2 ही लगा रहने देते हैं। उसके बाद हम इस कारल करेक्टर का एबिलिटी टेस्ट करते हैं। ओके गाइस ये हमने एबिलिटी लगाई इस कारल की दोनों गुलवाल टूट गया। नेरी करेक्टर भी स्कायरल का कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि स्कायरल नेरी करेक्टर का गुलवाल का एबिलिटी को भी तोड़ दे रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।